अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हकीम अलवी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए मौजू के साथ, एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे या जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है पेनिस एनलार्जमेंट पंप, यानी कि लिंगवर्धक यंत्र। कि कैसे आप लिंगवर्धक यंत्र का इस्तेमाल करके पेनिस के साइज को, यानी कि अपने जो नर्व है उसके साइज को बढ़ा सकते हैं, मोटा कर सकते हैं या लंबा कर सकते हैं, इसको ऐसे कहें तो, या गिर्द बढ़ा सकते हैं या उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो पंप के बारे में आज जानेंगे कि कैसे पंप इस्तेमाल होता है, किस तरह से उसको यूज करना है, ऑयल का क्या रोल होता है पंप के अंदर यूज करने में, ऑयल को कब यूज करना है और पंप को कितनी देर इस्तेमाल करना है, कितनी देर उसे एक्सरसाइज करनी है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, पेनिस एनलार्जमेंट पंप। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं अपना हम पेनिस एनलार्जमेंट के बारे में, कि पेनिस एनलार्जमेंट क्या होता है और किस तरह का ये पंप होता है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप इस बॉक्स के अंदर देख रहे हैं कि ये, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सिलेंडर है, जी हाँ, इसमें एक नॉब लगी हुई है। इसको यूज़ बताएंगे अभी आपको कि कैसे इस नॉब का यूज़ क्या है और ये सिलेंडर क्या काम करता है। इसको अभी रखते हैं बॉक्स के अंदर ही। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर ये तीन रबड़ दी गई हैं, इसको स्लीव्स बोलते हैं। अमूमन लोग बाग इसको रबड़ के नाम से कहते हैं, लेकिन इसको, इसकी स्लीव्स बोली जाती हैं। इसके बारे में भी बताते हैं, अभी मैं आपको सिर्फ इसके पार्ट समझा रहा हूँ क्या क्या है। ये वो पंप है जिससे प्रेशर क्रिएट जाता है, यानी कि अगर वैक्यूम को क्रिएट करना है तो ऐसे धीरे धीरे इसको प्रेस करके प्रेशर क्रिएट किया जाता है। ये वो पाइप है या कनेक्टर है जिसको हमें अपने पंप और सिलेंडर को आपस में कनेक्ट करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये वो पाइप है। अब हम क्या करते हैं, इसको कनेक्शन अब पूरा करते हैं और जोड़ करके इसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले ये वाला हिस्सा, जो इसका मोटे वाला हिस्सा है, इसको हम इस पंप के अंदर ऐसे लगाएंगे, इस तरह से लगा देंगे। और इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है, ये इसको वैक्यूम ट्यूब के साथ में इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ध्यान रहे कनेक्शन ऐसा हो कि कहीं से कोई एयर लीक ना हो, यानी कि कहीं से भी हवा जाने की कोई गुंजाइश ना रहे। आप इसको चेक भी कर सकते हो एक बार, जब आप ये कनेक्शन कर दें तो इसको ऐसे हथेली पे रखें यहाँ पे, और अब आप इसको प्रेशर क्रिएट करना शुरू करेंगे ऐसे। तो इसमें देखिए, आपकी हथेली पे, मेरी हथेली में दबाव बन रहा है, इसका मतलब इसमें प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि प्रेशर क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आप इसको कैसे यूज़ करना है, ये हमने कनेक्शन करा, इसका प्रेशर चेक कर लिया, आप कैसे यूज़ करना है ये जानते हैं। जब आपने सारा कनेक्शन कर लें इसको अच्छे तरीके से, तो उसके बाद ये जो रबड़ दी गई हैं, अपने पेनिस के साइज के अकॉर्डिंग आप ये इनमें से कोई सी भी रबड़ लेकर के पहले इसके ऊपर चढ़ाएंगे। जी हाँ, इस तरह से इसको हमें इस पर रबड़ को चढ़ा देना है। तो ये था इस तरह से इसको कनेक्ट करने का तरीका। अब इसको कैसे यूज़ करना है ये जानेंगे। यूज़ करने के लिए सबसे पहले पेनिस पे आपको ये गो क्यूरेबल, हमारा जो इरेक्शन ऑयल है, इसको आपको यूज़ करना है, इसको लगाना है। कैसे लगाना है, मैं इसी को ऑब्जेक्ट बता करके समझा सकता हूँ आपको। मान लीजिए ये आपका पेनिस है, तो आपको ऐसे पहले ऑयल को सरफेस पे लगा देना है अपने पेनिस की जो शाफ्ट है, फिर उसके बाद इसकी मसाज करनी है ऐसे ओके की शेप में लेकर के। देखिए ऐसे, ये इस तरह से आपको पीछे से आगे की तरफ को मसाज करनी है। उसके बाद जब आपका पेनिस सेमी इरेक्शन मोड में, यानी कि आधी इरेक्शन मोड में आ जाए, तो आपको पेनिस को इसके अंदर इंसर्ट कर देना है ऐसे। अब आपको इसमें खिंचाव पैदा करना है, ये पंप लेंगे आप, और इस पंप से आपको ऐसे, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से, ये तरीका होता है ऐसे, इस तरह से आपको खिंचाव पैदा करना है। और ऐसा करने के बाद आपको, अगर आप 15 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 5 मिनट करेंगे, फिर छोड़ देंगे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए, फिर प्रेशर रिलीज कर देंगे। प्रेशर कैसे रिलीज करते हैं इस पंप के अंदर बता देता हूँ। यहाँ से आप इसको निकालेंगे और ऐसे प्रेशर रिलीज हो जाएगा, इसको थोड़ा सा खींच देंगे, ये देख रहे हैं आप, ये नॉब है हरी वाली, इसको दबाएंगे ऐसे पीछे की तरफ, तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। फिर दोबारा से प्रेशर बना है ना, इसको फिर इसके अंदर लगा दीजिए ऐसे करके, और आप फिर दोबारा से प्रेशर को क्रिएट कर सकते हैं।
जी ये तरीका है इसको पंप का यूज करने का। तो दोस्तों ये है पेनिस एनवायरमेंट पंप, जिसकी आप हेल्प से अपने पेनिस के साइज को 1 से 2 इंच बढ़ा सकते हैं। 10 से 15 मिनट आपको सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, 5 से 7 मिनट आपको सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, और मॉर्निंग में करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक्सरसाइज का समय आप मॉर्निंग रखें, ऑयल से मसाज आप डेली करें। गो ग्लोबल इलेक्शन ऑयल है हमारा, ये वाला जो गो ग्लोबल ऑयल है हमारा, इससे आप अगर मसाज करेंगे डेली बेसिस पे तो आपको इसका भरपूर फायदा होगा। दोस्तों यहाँ पे एक जानने वाली बात यह है इस पंप के साथ में, इस पेनिस एनवायरमेंट पंप के साथ में, कि जब आप अपना पेनिस में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इरेक्शन कर रहे हैं, खिंचाव पैदा करें तो ज्यादा खिंचाव पैदा ना करें। यानी जब आपको लगने लगे कि हाँ अब आप बर्दाश्त से बाहर हो रही है बात, बहुत तेज खिंचाव हो गया, तो आप इसको रोक दें। सिर्फ 5 से 10 मिनट आपको इसको इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपको इसको नहीं करना है। खिंचाव ज़्यादा महसूस हो जाए तो आप प्रेशर रिलीज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ ये नॉब दी हुई है इसको ऐसे निकाल करके और इसको आप ऐसे कर देंगे तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये था हमारा पेनिस एनवायरमेंट पंप, जिसके बारे में हमने जाना है। अगर आपको ये पंप मंगाना है और साथ में गोरेक्शन ऑयल मंगाना है, तो आप इसको हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए, जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर मैसेज करके या कॉल करके आप मंगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ, एक नए मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।